सो हेलो एवरीवन, ये है यूनाइटेड इंटरएक्टिव के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। तो आगे यहाँ पर एनालाइज करेंगे इस ईयर के रिजल्ट्स यहाँ पर कैसे आए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इस ईयर के टोटल इनकम को ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो 7.88 लाख थी, जो क्वार्टरली बेसिस में 7.81 लाख यहाँ पर हो गई है। क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है। टोटल एक्सपेंसिस की अगर हम बात करें, टोटल एक्सपेंसिस ईयरली बेसिस में 3.39 लाख था, जब यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस में 3.45 लाख यहाँ पर हो गया है। इनकम यहाँ पर कुछ इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई है, एक्सपेंस भी उतने के उतने ही रहे हैं एक तरीके से। अभी शेयर के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें तो ईयरली बेसिस में 4.48 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 2.637 लाख यहाँ पर हो गया है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है यहाँ पर वो शेयर की वो डिक्रीज़ हुई है। अब अर्निंग पर शेयर ईयरली बेसिस में 0.24 पैसे था, अब जो है 0.15 पैसे के राउंड यहाँ पर हो गया है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो शेयर के रिजल्ट है वो अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। प्राइस लेवल की बात करें तो इस मंथ तक का शेयर का मैक्सिमम टारगेट जो है 66 रुपये के राउंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस शेयर को यहाँ पर सेल मत करिए फिलहाल के लिए, तो अभी तो यहाँ पर होल्ड करके रख लीजिए। जैसे ही जो ये शेयर अप ट्रेंड की तरफ मूव करे तो आप इस शेयर को यहाँ पर सेल करके एग्जिट ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करके मत रखिए, शॉर्ट टर्म के प्रस्पेक्टिव से यहाँ पर होल्ड करके फिर इस शेयर को सेल कर सकते हैं।